डीएनए अपना खुद का एक कॉपी एग्जैक्ट कॉपी जब बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन ओके द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज व्हिच इज द सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल तो सेल साइकिल का जो पहला प्रीपरेटरी uh, फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज नाउ दिस इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस व्हिच इज द जी1 फेज द एस फेज एंड द जी2 फेज

लेकिन एक नया कंजर्व द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड एट द सेम टाइम फॉर्म ए कम्प्लीटली न्यू स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन बिस डिफरेंट मॉडलेशन

of the parental DNA, that is what is said here. It states that the original parent DNA will be intact and produce a completely new DNA as copy. तो so, DNA एक नया copy की तरह वो बनाएगा. Second model है, Dispersive model. The word Dispersive means to disperse, to divide, to separate away. तो so, इसका आ, ये जो model है, इसने कहा कि DNA जो है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता है पहले. The DNA will first get into smaller fragments or segments.

तो ये जो दो मॉडल्स हैं दोनों एक्सट्रीम्स हैं एक बोल रहा है पूरा कंजर्व हो रहा है और एक नया डीएनए बन रहा है और दूसरा बोल रहा है कि ये डीएनए टूट जा रहा है और हर एक कॉपी ओल्ड और न्यू वो रैंडमली अरेंज हो जा रहे हैं ठीक है और सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल थ्योरी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल स्टेट्स दैट द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विल हैव वन स्ट्रैंड दैट इज ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यूली स्ट्रैंड। तो इसने बोला कि जो दो नए मॉलिक्यूल्स होंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से एक स्ट्रैंड तो ओरिजिनल पेरेंट का ही होगा दूसरा स्ट्रैंड होगा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। सो वन पेरेंटल स्ट्रैंड कंप्लीटली एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रेंड तो दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंजरवेटिव मॉडल ऑफ डीकेशन सो लेट लुक सी हाउ इट लुक्स लाइक आपके तीन मॉडल तो क्या बोलता है कि जो, uh, वैसा ही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन वो एक नया डीएनए बनाएगा यहाँ पे ये नया डीएनए कंप्लीटली न्यू डीएनएस ट्रेंड ठीक है

इन द नेक्स्ट साइकिल के लिए उन्होंने एन फिफ्टीन में ग्रो किया उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया गया सी एस सी एल विच इज कैल्सियम क्लोराइड उससे जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो एक ही बैंड मिला विच इज एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन बैंड

बैंड पहले वाले से थोड़ा लाइटर है क्यों लाइटर है क्योंकि इसका तो एन एक एन फिफ्टीन बैंड है जो डार्क ब्लू में रिप्रेजेंट किया है और दूसरा एन फोर्टीन बैंड है ओके अगेन दे ऑन टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट फर्दर एंड अगेन दे ग्रो दिस इन एन फोर्टीन मीडियम तो थर्ड जनरेशन के लिए भी उन्होंने एन फोर्टीन मीडियम में ग्रो कर दिया अब दो अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड्स ऑब्जर्व हुए थे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक आपका लाइट कलर

एन फिफ्टीन एन फिफ्टीन ठीक है ऊपर का जो पेरेंटल डीएनए अब ये जब ग्रो किया एन uh, सेंट्रीफ्यूज किया गया तो जो नेक्स्ट जनरेशन मिले इसमें दोनों डीएनए डीएनएन वाले हैं ठीक है सेम विद दिस मॉलिक्यूल एंड सेम विद दिस मॉलिक्यूल एन फिफ्टीन एंड फोर्टीन राइट अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या होगा सेपरेट होगा कौन कौन सा सेपरेट होगा एन फिफ्टीन स्टैंड से दो अलग अलग टाइप के बैंड फॉर्म होंगे बैंड फॉर्म होगा ठीक है जो पहला वाला हम लोग दिखाया यहाँ पे और दूसरा वाला जो है ये एन फोर्टीन N14 band form होगा, ठीक है? The second one will be N14 and 14, and the previous one was N15 and 14, ठीक है? वैसे दो bands form होंगे, this is N15 and 14, this is N14 and 14, clear? तो इससे क्या पता चलता है कि हमेशा एक parental strand जैसा का वैसा रह रहा है, separate हो जा रहा है और वो एक नया copy newly synthesized strand का बना रहा है, so this suggests that The DNA replication mechanism is semi-conservative in nature. So that we can explain here pointwise mana. It will be easier for you to understand. Matthew Messelson and Franklin Stark in the year 1958. Matthew Meselson and Franklin Stark in the year 1958 conducted an experiment to demonstrate semi-conservative model of DNA replication. They grew E. coli, ischerisha coli and N15 H4Cl. कल्चर मीडियम तो वो जो कल्चर मीडियम जहाँ पे ग्रो कर रहे थे विच आज हैविंग हैवी आइसोटोफ ऑफ एन फिफ्टीन तो दैट मीडियम वाज एन फिफ्टीन एच फोर सी एल ठीक है एंड एमोनियम क्लोराइड आप बोल सकते हो दिस इज एक्चुअली एमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल है लेकिन N का जो है वो फिफ्टीन हैवी आइसोटोप है तो एन फिफ्टीन एच फोर सी एल

Again, second generation, when jab grow kya gaya, N14 medium, mein, that is after 40 minutes, you will find that equal amount of DNA was there one N14N14 N14, and the other one hybrid DNA, which was n 15 and 14 Okay, so from this, they concluded that the uh, DNA replication mechanism is actually semi conservative in nature. So, students, this is an introduction about uh, the DNA. Replication. In the next class, we will move on to the mechanism of DNA replication. Thank you.